सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون। सूरह मुजादला की ये आखिरी आयत हैं। फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आपको ऐसी कोई कौम नहीं मिलेगी जो अल्लाह उसके रसूल पर और आखिरत पर ईमान भी रखती हो, मगर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, और फिर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से वो मोहब्बत भी करते हों। ऐसा नहीं हो सकता। इन आयात में बताया है कि जिसके दिल में अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत नहीं रख सकता। वलऊ कानू आबाअहुम, मुखालफत करने वाले, दुश्मनी रखने वाले अगरचे इनके बाप दादा क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, इनकी औलादें क्यों ना हो, औ इखवानहुम, इनके भाई और दोस्त क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, इनके खानदान क्यों ना हो। यह आयत असल में तो उन मुनाफिकीन के बारे में है जो मुसलमानों को छोड़ के कुफ्फार से दोस्तियां लगाते थे, और इसकी अव्वलीन मिस्दाक आज हमारी हुकूमतें हैं। अमेरिका से और कुफर की ताकतों से दोस्ती और अपने मुसलमानों से दुश्मनी। लेकिन दूसरे दर्जे में इन आयात में वो लोग भी दाखिल हैं जो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मरज है आज हमारे मुआशरे में। इससे दीनदार भी बचे हुए नहीं है। जहां रिश्तेदारी की बात आएगी इंसान वहां हथियार डाल देता है। शादी ब्याह की रसूमात आप देख लें। मैं इस पे तो बड़ी तफसील से बात करता रहता हूं। देखें, बास चीजों में तो मजबूरी है, वहां शरीयत ने इजाजत दी है। जहेज एक बुरी रस्म है, मगर बाप की मजबूरी है बेटी को देना, नहीं देगा तो नुकसान होगा। बारात का खाना, बारात बुरी रस्म है, मगर लड़की वाले मजबूर हैं, नहीं खिलाएं तो ताने मिलते हैं। लेकिन शिरकत करने वाले को क्या मजबूरी है? दूल्हा दुल्हन की तो मजबूरी समझ में आती है, उसकी तो शादी है, वो नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो तो फिर शादी रह जाएगी। शिरकत करने वाले को कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन लोग रिश्तेदारी को खुश करने के लिए शिरकत भी करते हैं। ये बहुत अहम मसला है, याद रखें। आज अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, मगर रिश्तेदारों की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। खवातीन में इसका सबसे बड़ा मुजाहरा बेपर्दगी। कितनी खवातीन हैं पर्दा नहीं करती। क्यों नहीं करती? देवर नाराज होगा और चचाजाद फूफीजाद भाई नाराज हो जाएंगे, बल्कि आजकल तो मां बाप नाराज हो जाते हैं बेटी अगर शरई पर्दा कर ले। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों की बात ना मानो, अगरचे ये मुखालफत करने वाले तुम्हारे बाप दादा क्यों ना हो, तुम्हारे सगे भाई क्यों ना हो, तुम्हारा सगा खानदान क्यों ना हो। इनकी अहमियत अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा नहीं है। फरमाया अगर तुम आखिरत पर ईमान रखते हो, तुम्हें पता है कि जन्नत जहन्नम बरहक है, आखिरत में अल्लाह आमाल का हिसाबो किताब लेगा, तो फिर तुम ये काम नहीं कर सकते। अगर तरद्दुद है, पता नहीं आखिरत होगी या नहीं होगी, जन्नत जहन्नम बरहक है या नहीं है, तरद्दुद है तो फिर मेरे भाई शक और शुबे में इंसान मानिए नहीं दे पाता। जिस कुर्बानी पे बदले का यकीन ना हो वो कुर्बानी कौन कुर्बानी देता है उसके लिए। तो फरमाया ऐसे लोग वो जो कुर्बानी देने वाले हैं, रिश्तेदारों की कुर्बानी देने वाले लोग, फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया है। ये है असल लोग जिनके दिलों में ईमान अल्लाह ने पेवस्त कर दिया है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और अल्लाह अपनी रूह के जरिए उनको ताकत देगा। रूह से मुराद है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब कुरान में रूहुल अमीन भी है, रूहुल कुदस भी है। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो लोग जो दीन पर मजबूती दिखाते हैं और रिश्तेदारों की बात दीन के मामले में तस्लीम नहीं करते, चूंकि सारा खानदान मुखालफत करता है, सारा मोहल्ला बायकाट करता है, हर तरफ से ताने मिलते हैं कि ये क्या हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया, ये जनाब पुराने जमाने के लोग हैं, ये तो मुआशरे के साथ चलना नहीं जानते, तो इंसान को तकलीफ होती है, इंसान हौसला हारता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम मजबूती दिखाओ तो अल्लाह फरिश्ते तुम्हारे दिलों पर नाजिल करेगा, जो फरिश्ते तुम्हारे दिलों को अजम और तसल्ली देंगे और दीन पर कायम रखने की तुम्हें कोशिश करेंगे। मामूली फरिश्ते नहीं, जिब्रील अमीन, जिब्रील वो फरिश्ते जो अंबिया पर वही लेकर आया करते थे, उन फरिश्तों के जरिए अल्लाह तुम्हारे दिलों को ताकत देगा। और फरमाया वयुदखिलुहुम जन्नातिन, थोड़ा सा सब्र से काम ले लो, इस सब्र का नतीजा क्या मिलेगा। देखिए थोड़ा सा सब्र कर लेना इंसान, एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, अस्सब्रु मिस्लुस्मिही मुर्रुम मदाकतुहु लाकिन अवाकिबुहु अहला मिनल असली। सबर अरबी में, सबर असल में कड़वे फल होता था, एक दरख्त होता है उसका फल बहुत ही कड़वा, इसलिए मुसीबत पे सबर करने को अरबी में सबर कहते हैं, क्योंकि वो भी कड़वी, सबर करना कड़वा काम है ना, कड़वा फल है इसका। जैसे कोई नीम के पत्ते चबाए कितनी मुसीबत होगी, तो ऐसे ही अपने आप को बांध लेना, गुनाह से अपने आप को रोक लेना, मुआशरे और खान तकरीबात में जाने का दिल करता है, आजकल नाजायज तकरीबात होती हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं, मर्दों औरतों का इख्तलात है, मर्द भी पहुंचते हैं, खवातीन भी पहुंचती हैं, हर आदमी का दिल करता है जाऊं, और नहीं जाओ तो रिश्तेदारों की तरफ से ताने मिलते हैं, भाई नाराज हो जाएगा, बहन नाराज हो जाएगी, चचा नाराज हो जाएगा, फूफा नाराज हो जाएगा, तो वहां ब्रेक लगाना अपने आप को मुश्किल काम होता है, इसलिए उसको कहते हैं सबर। तो शायर ने कहा सबर जो है ना, जैसे सबर का नाम है वैसे ही इसका जायका बहुत कड़वा है, रोकना पड़ता है इसमें अपने आप को, लेकिन लाकिन अवाकिबुहु अहला मिनल असली, कहते लेकिन इसका अंजाम शहद से ज्यादा मीठा है। आप दुनिया के मामलात में भी देख लें, जो लोग स्कूल में कॉलेज में मेहनत करते हैं, तकलीफ होती है ना, हर नौजवान का दिल करता है सारा दिन खेलकूद में मशगूल रहूं, यही दिल करता है ना, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा सबर करके पढ़ लिख लेते हैं, तो बाद में वो कितना फायदा उठाते हैं, थोड़े दिन की मेहनत से बड़ी बड़ी मुलाजमतें मिलती हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे चले जाते हैं, और जो खेल रहा था वो बेचारा खेलता ही रहता है। कई हमारे इल्म में ऐसे नौजवान हैं, एक नौजवान तो हमें याद है वो बेचारा खेलता ही रहता था सारा दिन, जब उसने देखा ना उसके साथ के लोग कोई सीए कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो वो बड़ी हसरत से कहता था काश मैं भी कुछ पढ़ लेता। बेरोजगार कभी उधर कभी उधर, कभी मजदूरी कर रहा है, कभी बेचारा वो बार बार कहता काश मैं ये कर लेता, काश मैं कहता अब क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं, गुजारा करो। तो थोड़ी जो दुनिया में सबर करते हैं तो दुनिया में उनको अल्लाह ताला मीठा नतीजा अता फरमाते हैं, थोड़ी मेहनत पे ज्यादा अता फरमाते हैं। तो आखिरत की जो मेहनत करेगा, देखे हाफिज 2 साल मेहनत करता है, 2-2.5 साल बड़ी मुश्किल से याद कर लेता है, फिर सारा साल मेहनत नहीं कर, सारी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक चीज उसके सीने में हमेशा के लिए महफूज हो गई। एक आम आदमी जब एक पारा तिलावत करेगा 1 घंटा लगा देता है, हाफिज ज़बानी पढ़ता चला जाता है, बस में बैठेगा 1 पारा। हमारे एक साथी हमारे साथ सफर किया उन्होंने पेशावर की तरफ, तो हाफिज थे, तो पेशावर पहुंचने पहुंचने में उन्होंने 1 कुरान खत्म कर दिया बैठे बैठे। अब आमी आदमी यह कर सकता है? ये मीठा फल कौन खा रहा है? जिसने 2-2.5 साल हिफ्ज कुरान में मेहनत कर ली हो। जो आलिम बनते हैं 8-9 साल मेहनत कर लेते हैं, 8-9 साल तो बड़ी मुसीबत होती है, कितनी मुसीबत है, हफ्ते में 1 दिन घर आना। हम जब, हमें याद है इतनी सख्त परेशानी में हम लोग मुब्तला होते थे, जुमेरात को छुट्टी होती थी, अब घर आए हैं, थोड़ी आजादी मिली है, एक रात गुजारी, अगले दिन से फिर फिक्र होती थी आज दोबारा जाना है पूरे हफ्ते के लिए। वहां ना बाप का प्यार मिलता था ना मां की ममता। मदरसे में थोड़ी होती है चीजें, उस्ताद होते थे बस उनका डंडा होता था। शफकत तो करते थे, मोहब्बत तो करते थे, लेकिन जाहिर है वो शफकत जो घर में बच्चे को मां बाप से मिलती है, बहन भाइयों से मिलती है, वो मदरसे में उस्ताद से मिल ही नहीं सकती, नामुमकिन महाल है। वो आजादी जो घर में इंसान को होती है, घर में तो आप चीखें प्लेटें उठा उठा के, मैं जब घर आता था तो मेरी मर्जी का अगर खाना पका नहीं होता था बर्तन उठा के फेंकता था पड़ोसियों के यहां, सही है? दरवाजे धाड़ धाड़ करके मारता था कि दाल क्यों पकी है, सब्जी क्यों पकी है, गोश्त क्यों नहीं पका। मदरसे में ऐसा कर सकता है कोई? मदरसे के तालिब आज दाल पकाइए, मुझे गोश्त चाहिए, वो कहेंगे यहां से निकलो, जो खाने दिया जा रहा है खाओ उसको। कितनी मेहनत। घर में इंसान चीखता भी है, चिल्लाता भी है, मां बाप फिर भी गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं और 50 रुपए 10 रुपए निकाल के देते या चीज ले ले दुकान से। मदरसों में नहीं होता। तो 8 साल मेहनत की, 9 साल 10 साल जितने भी मुकद्दर था इल्म में, तो उसका सिला टूटा फूटा अल्लाह ने दे दिया। टूटा फूटा, जितनी टूटी फूटी मेहनत थी वैसा अल्लाह ने, लेकिन जितनी मेहनत थी उससे कई गुना ज्यादा सिला मिलता है इंसान जो इल्म हासिल करते हैं पुख्तगी के साथ, मेहनत के साथ। सारी जिंदगी उनकी इज्जत होती है, सारी जिंदगी आखिरत भी बनती है और दुनिया भी बनती है। कितने बड़े बड़े उलमा दुनिया से गए तो करोड़ों लाखों लोग उनके चारपाई को कंधा देने वाले लोग। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह देहात में पैदा हुए, मगर जनाजा बगैर ऐलान के जनाजा हुआ तो जगह नहीं थी पांव रखने की, इतने लोग। वो क्या, वो 8-9 साल की मेहनत जो इल्म में उन्होंने खपाई है। तो अल्लाह ताला थोड़ी मेहनत पे बहुत ज्यादा इंसान को नवाजते हैं। मेहनत ना करे तो वक्त बर्बाद हो रहा है, वक्ती मजे हासिल होते हैं। राबिया बिसरिया रहिमहुल्लाह ताला का नाम तो सुना है ना, बड़ी आबिदा जाहिदा थी। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही है, उन्होंने लिखा है मन ताज्जल बिशैइन कबला अवानिही उक़िबा बिहिरमानिही। जो किसी चीज को वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करता है तो फिर वक्त उसे वो चीज नहीं मिलती। हम चाहते हैं अभी सारे मजे उड़ा लें तो मुस्तकबिल फिर तारीक हो जाता है। ये खूब याद रखो, दुनिया के एतबार से भी आखिरत के एतबार से। असल मजों के लिए अल्लाह ने जो ज्यादा, ये तो दुनिया में भी मजे मिलते हैं जब मेहनत करता है, लेकिन असल मजे कब मिलेंगे? आखिरत में। हम चाहते हैं कि आखिरत में नहीं, यहीं सारे हो जाएं। बदनजरी भी कर रहे हैं, खवातीन बेपर्दा बाजारों में घूम भी रही हैं, अपनी जीनत की नुमाइश कर रही हैं। वो कहती हैं ये क्या है, हम बुरके ओढ़ के बैठ जाएं, हाथों में दस्ताने, ना कोई देखने वाला हो, ना कोई पसंद करने वाला हो, ना कोई मैसेज भेजने वाला हो। फिर शादी हो, शोहर हो, बस यही क्या शोहर, बस वो तो वैसे ही कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, वो तो घर का ही है। जीनत तो दुनिया के सामने सबसे गपशप होनी चाहिए, मुलाजमतें होनी चाहिए, 10 किस्म के मर्दों से रोजाना बातचीत हो। आजकल ये भी खवातीन में फैशन बन गया। फिर पर्दा कर लेंगे तो ये बड़ी बड़ी तकरीबात में इतने मजे से नहीं जा सकेंगे जैसे दूसरी और खवातीन जाती हैं, घर में बंद हो जाएंगे, ये क्या है वो क्या है। तो याद रखें, अल्लाह ने इन आयात में यही कुछ बताया कि सब्र कर लो, सब्र, थोड़ा सा सब्र कर लो। अल्लाह मजे छीनता नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं थोड़े से मजे लूंगा, छीनूंगा तुमसे और फिर कई गुना बढ़ा कर दूंगा मैं। ये खवातीन बेपर्दगी क्यों करती हैं? अपना हुसन नजर आए। टेंशन होती है बुरके ओढ़ने में, बास कहती है सांस नहीं आता, टेंशन होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा, नहीं हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि या हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अभी मुझे सही याद नहीं आ रहा, या हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि ये जन्नत की औरतें जो हूरे हैं ये ज्यादा खूबसूरत होंगी या जन्नती जो दुनिया की औरतें जन्नत में जाएंगी? जन्नत की हूरों का तो अल्लाह ने बड़ा हुस्न बयान किया ना, तो ये ज्यादा खूबसूरत होंगी या दुनिया की औरत जो जन्नत में जाएगी? तो हजरत आयशा ने फरमाया कि जो दुनिया की औरतें जन्नत में जाएंगी वो जन्नत की हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। पूछा गया ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बताया हजरत आयशा ने, इसलिए कि जन्नत की हूरों ने रोजे नहीं रखे हैं, पर्दा नहीं किया है, नमाजें नहीं पढ़ी हैं, शरीयत के हकाम पर अमल और कुर्बानियां दुनिया की औरतों ने दी हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह जन्नत की हूरों को मकाम और हुस्न ज्यादा दे दे दुनिया की औरतों से? ये मुमकिन नहीं। ये दुनिया की जो काली कलोटी घूम रही होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी आंख नाक वाली, ये सब डेंटिंग पेंटिंग होगी इनकी वहां जन्नत में, सही है ना? दोबारा से डिजाइन किया जाएगा इनको, दोबारा से बनाया जाएगा। आज खवातीन जो बदसूरत खवातीन होती हैं, जिनकी सूरत जरा खराब होती है, किस कदर हसरत से देखती हैं हसीन औरतों को। काश हमारा रंग भी गोरा होता, हम जब छोटे बच्चे थे, हमारे महल्ले में एक बच्ची थी बिल्कुल काली कलोटी, तो सब उसकी सहेलियां उसको छेड़ती थी। बहुत ही बेचारी काली कलोटी, वो कभी फेयर एंड लवली लगा रही है, छोटी बच्ची कभी फेयर एंड लवली लगा रही है, कभी पता नहीं कौन से साबुन से नहा रही है, कभी कौन से साबुन से। वो ये सोचती थी मेरा तो बड़े होकर मेरा तो मुस्तकबिल। इतनी सी बच्ची को भी ये एक दिमाग में उसके बाद बैठ गई।